स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 5 करते हैं। चैप्टर 4 तक आपके हो चुके हैं कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैंने भेज दी आपको। चैप्टर 5 देखेंगे, टुडे एंड टुमारो बाय जेई कारपेंटर, आज और कल। ठीक है, तो देखते हैं क्या पोएम है टुडे एंड टुमारो। ये जो पोएम है ये इंपॉर्टेंस बताती है टुडे की, आज की इंपॉर्टेंस बताती है, यानी कि टाइम की इंपॉर्टेंस बताती है कि हमें अपना काम आज ही में कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। जो कल पर काम टालते हैं उन्हें केवल पछताना पड़ता है, उनके हाथ कुछ नहीं आता, तो इसलिए हमें अपना काम आज ही करना चाहिए। देखते हैं पोएम। ये कहता है, देखो, डोंट टेल मी ऑफ टुमारो। पोएट कहता है, डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, मुझे कल के बारे में मत बताओ। गिव मी द मैन हु विल से दैट व्हेन ए गुड डीड्स टू बी डन, लेट्स डू द डीड टुडे। ये कहता है, डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, कल के बारे में मत बताओ मुझे, मुझे कोई ऐसा आदमी बताओ हु विल से, जो ये कहे दैट व्हेन ए गुड डीड्स टू बी डन, कि अगर कोई अच्छा काम किया जाना है तो लेट्स डू द डीड टुडे, तो आओ उसे आज ही करें। यानी कि ये प्रेज करता है उस आदमी की जो अपना काम आज ही के आज करता है, जो कल पर नहीं टालता। तो इसलिए कहता है, मुझे कोई ऐसा आदमी मिलाओ, ऐसे आदमी के बारे में बताओ जो आज का काम केवल आज ही कर सके, आज का काम केवल जो आज ही करना पसंद करे, कल पर ना टाले, तो मुझे ऐसे आदमी के बारे में बताओ। ये फर्स्ट है आपका। सेकंड देखिए, सेकंड स्टेंजा क्या कहता है, हु मे आल कमांड द प्रेजेंट। प्रेजेंट को कौन कमांड कर सकता है, किसका कमांड है, इफ वी एक्ट एंड नेवर वेट। ये कहता है, वी मे, दोबारा देखेंगे, ये कहता है, वी मे आल कमांड द प्रेजेंट, हम सभी प्रेजेंट पर अपनी कमांड कर सकते हैं, प्रेजेंट पे तो अपनी कमांड कर सकते हैं हम सभी, ठीक है। इफ़ वी एक्ट एंड नेवर वेट, अगर हम एक्ट करें और इंतज़ार ना करें, तो हम प्रेजेंट पर अपनी कमांड कर सकते हैं। प्रेजेंट हमारे हाथ में होता है, देखो वो कहता है पास्ट हमारे हाथ में नहीं होता, जो बीत गया वो बीत गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर का हमें पता नहीं होता, तो कमांड किस पे होती है, प्रेजेंट पे, आज पे, अभी पे, जो कुछ करना है अभी करना है, आज हमारे हाथ में है, आज हम एक्शन ले सकते हैं। तो यही कह रहा है वो कि वी मे आल कमांड द प्रेजेंट, हम प्रेजेंट को कमांड कर सकते हैं, इफ़ वी एक्ट एंड नेवर वेट, अगर हम एक्ट करें और इंतज़ार ना करें। बट रिपेंटेंस इज़ द फैंटम, अब ये कहता है, लेकिन पछतावा, ठीक है, फैंटम होता है शेडो ऑफ ए पास्ट, पास्ट का है शेडो है पास्ट की, दैट कम्स टू लेट, जो हमेशा लेट आता है, यानी कि जो एक बार पास्ट बीत गया सो बीत गया, ठीक है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, रिपेंटेंस कर सकते हैं, पछतावा कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट तो हमारे हाथ में है ना, प्रेजेंट तो पे तो हम कमांड कर सकते हैं, तो इसलिए हमें एक्ट करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है थर्ड देखिए, डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, कल की मत बताओ मुझे। ठीक है, दोबारा रिपीट करता है, देर इज़, कल के बारे में मत बताओ, देर इज़ मच टू डू टुडे, आज ही, आज बहुत कुछ है आज करने के लिए, दैट कैन नेवर बी अकम्प्लिश्ड इफ वी थ्रो द आवर्स अवे। थ्रो द आवर्स अवे का मतलब होता है, देखो, दैट कैन नेवर बी अकम्प्लिश्ड, वो चीज़ कभी पूरी नहीं की जा सकती, इफ़ वी थ्रो द आवर्स अवे, यानी कि अगर हम टाइम की कदर नहीं करते, अगर हम टाइम को ऐसे ही ख़राब कर देते हैं, थ्रो द आवर्स अवे का मतलब, अगर हम टाइम को ऐसे ही, यहाँ पर फेंकना नहीं है, ख़राब करना है, ऐसे ही ख़राब कर देते हैं समय को, ठीक है, तो हम उस चीज़ को, जो टाइम चला गया, तो उसकी कभी भी भरपाई नहीं की जा सकती, उस चीज़ को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, अकम्प्लिश नहीं किया जा सकता, ठीक है, आज ही बहुत कुछ है करने को, तो जो कुछ करना है वो आज ही करना है। नेक्स्ट कहता है, एवरी मोमेंट हैज़ इट्स ड्यूटी, हर मोमेंट की, हर क्षण की अपनी एक ड्यूटी होती है। हु द फ्यूचर कैन फोरटेल, फ्यूचर के बारे में कौन भविष्यवाणी कर सकता है, कौन बता सकता है फ्यूचर के बारे में कि भाई फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, जब फ्यूचर के बारे में कोई जानता है नहीं, तो देन वाई पुट ऑफ टिल टुमारो, तो कल पर हम क्यों टाले अपने काम को, ठीक है, व्हाट टुडे कैन डू एज वेल, जो काम हम आज ही कर सकते हैं, आज के आज ही कर सकते हैं, तो उसे कल पर क्यों टालना, कल पर क्यों टाला जाए। ये बेटा आपकी छोटी सी पोएम थी टुडे एंड टुमारो, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द टुडे, टुडे की इम्पोर्टेंस को, आज की प्रेजेंट टाइम की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है ये आपकी, और ये मैसेज देती है कि हमें अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए, जो कुछ करना है अभी और आज ही करना चाहिए। ठीक है बेटे।